Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to do matching words of the unit number 5, the snake and the mirror. Saap aur darpan. Paath ke matching words hum karne wale hain. To aaiye chalte hain matching words par. To students, ye hamara jo matching words ka question hota hai, ye वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी. तो इसमें ए के नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, बी के नीचे इनके मैचिंग वर्ड्स हैं. तो हालांकि हम हर एक मैचिंग वर्ड्स की वीडियो में आपको ये समझाते हैं स्टूडेंट्स कि जो मैचिंग करना होता है वो लाइन खींच कर नहीं करना होता है. ठीक है, जैसे ये फैमिलियर है तो फैमिलियर का होगा नॉन. ये इस तरह से लाइन खींच करके नहीं करना है. मीगर का नॉट एनफ, टेम्पटेड का इनक्लाइंड, अर्थ शेकिंग का इम्पोर्टेंट, रिगल्ड का ट्विस्टेड. तो इस तरह से ये लाइन कट जाती हैं तो समझ में नहीं आता कौन सी लाइन कहाँ जा रही है. कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारी लाइन एक बिंदु पर काटती हैं, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है उसकी सही जानकारी ही नहीं होती है. तो इसमें कुल मिलाकर के बालक का लॉस होता है, नुकसान होता है. तो ये तरीका हमारा मैचिंग करने का गलत तरीका है. ठीक है, इसको हम नहीं अपनाएंगे, ये गलत तरीका है. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आपको बताते हैं सही तरीका. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इनके जो है, इससे पहले हमने गलत तरीका बताया था. तो यहाँ पर हम इन इंग्लिश वर्ड्स के हिंदी में नहीं लिखते हैं, ठीक है, ताकि हमें इनके मीनिंग की जानकारी हो जाए. तो सबसे पहले हम इसका अर्थ लिखते हैं. फैमिलियर मीन्स होता है परिचित या जाना पहचाना. मीगर मीन्स होता है बहुत थोड़ा या अपर्याप्त. ठीक है, टेम्प्टेड मीन्स इच्छुक और द सेकिंग महत्वपूर्ण, रिगल्ड रेंगा. ठीक है, ये तो हमने लिखा इसका मीनिंग. अब देखिए हमें आंसर कह देना है. ये हमारा ए के नीचे वर्ड्स दे रखे हैं, बी के नीचे मैचिंग वर्ड्स हैं. तो यहाँ पर हम आंसर के लिए लिस्ट सी बनाते हैं. ठीक है, लिस्ट सी के नीचे ये हमारी आंसर की होगी. ठीक है, तो फैमिलियर का मीनिंग जैसे हमने लिखा परिचित, जाना पहचाना, इसके लिए आएगा नॉन. तो इस वन के सामने यहां पर हम लिस्ट सी में लिख देंगे नॉन. ठीक है, मीगर मीन्स बहुत थोड़ा या अपर्याप्त, नॉट एनफ, नॉट एनफ. ठीक है, टेम्प्टेड इच्छुक, इनक्लाइंड, अर्थ सेकिंग महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, रिगल्ड
twisted. ठीक, इस तरह से करके हम इसको काट देंगे। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन है, ये इसका लिस्ट सी में आंसर है। क्वेश्चन पेपर में हमारे पास इस तरह से आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर बुक में समझाया, ठीक है। लेकिन एक बात और ध्यान रखेंगे, जब इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में आता है तो आंसर बुक में उत्तर पुस्तिका में हमें केवल वर्ड लिखना है और उसके बाद ये बी लिस्ट नहीं लिखनी, इस बी लिस्ट को नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में से ही ठीक ऐसे सामने लिख देंगे, तो फिर आपको काटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमने यहाँ पर काट के इसलिए दिखाया क्योंकि बुक में आपको समझाया है, तो यहाँ पर तो पहले से ही लिखा हुआ था, लेकिन क्वेश्चन पेपर में आप लिस्ट ए को उतार करके ठीक बी के नीचे वो मैचिंग वर्ड ही सामने लिखेंगे। उत्तर पुस्तिका में हिंदी लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो हमने आपको आपके समझने के लिए, आपको वर्ड मीनिंग याद करने के लिए लिखवाया है, दिया है आपको आपकी सेवा में। तो ये आपका हुआ मैचिंग वर्ड्स, इस तरीके से हमें मैचिंग वर्ड्स करना चाहिए, यही सही तरीका है। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और पहली बार देख रहे हैं तो अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास इसकी सूचना समय से जो भी नई वीडियो आती है मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। थैंक्स।